सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू टेक्नो राइडर। तो दोस्तों, यूसी ब्राउजर को हम लोग बहुत दिनों से यूज करते आ रहे हैं और काफ़ी अच्छा ब्राउजर है। ब्राउजिंग करते टाइम इसके इतने सारे फीचर्स है, बहुत ही हेल्प करते हैं हमें ब्राउजिंग करते टाइम। और डाउनलोडिंग का जो ऑप्शन है, और इमेज डाउनलोड करना हो, मतलब कुछ भी डाउनलोड करना है, काफ़ी आसान तरीके से इस ब्राउजर में हम लोग कर सकते हैं अभी भी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ गई है जिसके चलते हम लोग यूसी ब्राउजर को यूज करना नहीं चाहते हैं। और दोस्तों, यूसी ब्राउजर जो है अभी आधा आधा बंद चुका है, लेकिन कुछ फीचर्स काम कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बोलूं कि अगर आपको यूसी ब्राउजर के सारे फीचर्स वाला इंडिया का खुद का ब्राउजर मिलेगा तो आप लोग यूसी ब्राउजर को यूज़ करना नहीं चाहोगे, मुझे पता है। इसलिए दोस्तों, मैंने बहुत सारे ब्राउजर को टेस्ट किया और फाइनली मुझे एक ऐसा ब्राउजर मिला जो कि सेम टू सेम यूसी ब्राउजर के फीचर्स जैसा है। हर एक फीचर्स आपको यूसी ब्राउजर जैसा ही मिल जाएगा। और दोस्तों, ये जो ब्राउजर है इंडिया का ब्राउजर है और इसे इंडिया में ही डेवलप किया गया है एक बहुत ही बड़े कंपनी के द्वारा। तो दोस्तों, इसको अगर आपको डाउनलोड करना है, देखो उसका नाम क्या है दोस्तों, आपको जाना है प्ले स्टोर में, ठीक है। तो सबसे पहले प्ले स्टोर में जाके आपको सर्च करना है जियो ब्राउजर। अब दोस्तों, जैसे आप सर्च करोगे जियो ब्राउजर तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आएगा। और दोस्तों, ये जो ब्राउजर है ये जियो की तरफ से डेवलप किया गया है। देखो यहाँ पे लिखा है जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड, और ये जियो ब्राउजर है फास्ट एंड सिक्योर इंडियन ब्राउजर। अब दोस्तों, यूसी ब्राउजर में बहुत सारे फीचर्स थे, वो भी यहाँ पे है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन उससे पहले आप देखो, इस यूसी ब्राउजर को बंद हुए बहुत ही कम टाइम हुआ, लेकिन ये जब ये जियो ब्राउजर आया, काफ़ी लोगों ने डाउनलोड किया, 10 मिलियन प्लस डाउनलोड है। और इसका साइज़ है 10 MB, लेकिन यूसी ब्राउजर का साइज कितना था, 30 से 40 MB। दोस्तों, आप लोग ये मत सोचो कि इसमें कम फीचर्स है, सेम फीचर्स है, लेकिन वो चाइना का ब्राउजर था इसलिए उसमें मतलब उसका जो एमबी साइज था काफ़ी ज़्यादा था। लेकिन यहाँ पे जियो ब्राउजर का साइज़ बहुत ही कम है और काफ़ी अच्छा है। इसके साथ दोस्तों, इसमें एक और फीचर से एडी ब्लॉकर जो कि यूसी ब्राउजर में भी था। इसके साथ दोस्तों, यहाँ पे लैंग्वेज आपको मिल जाएगा, किस लैंग्वेज में यूज करना है, और कुछ कुछ नई चीज़ें यहाँ पे ऐड की गई है। जैसे कि आपको यहाँ पे लैंडस्केप मोड मिल जाएगा जो कि यूसी ब्राउजर में नहीं था, लेकिन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसके साथ दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज़ का जो ऑप्शन है वो भी आपको मिल जाएगा। और साथ में दोस्तों, यहाँ पे आपको बहुत सारे चीज़ें यूज करने के लिए मिलेगी, और डार्क थीम जो यूसी ब्राउजर में था वो भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक नया चीज़ है, सिक्योर इनकॉग्निटो मोड। इनकॉग्निटो मोड ऑन करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे पासवर्ड का ऑप्शन दिया गया है। ये जो चीज़ है वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी, ठीक है। अब दोस्तों, इसका लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक करके आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो और प्ले स्टोर से जाके भी डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि अगर हमारे पास इंडिया का खुद का ब्राउजर है, यूसी ब्राउजर के फीचर्स ऐसा, तो हम लोग चाइना का प्रोडक्ट क्यों यूज़ करें, हम लोग अपने देश अपने कंट्री का प्रोडक्ट क्यों ना यूज करें। तो दोस्तों, अगर आप जियो ब्राउजर का यूज़ करना चाहते हैं और इंडिया का सपोर्ट करते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर जियो लिख दीजिएगा, बस मुझे पता चल जाएगा दोस्तों आप लोग सच में इंडिया का सपोर्ट करते हैं। और दोस्तों, ये वीडियो सच में आपको हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। और इसी तरह के टेक वीडियो देखने के लिए टेक्नो राइडर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।